हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक अवस्थी। ये दिल्ली के पास में एक जगह है दमदमा लेक, उसकी डिटेल्स हैं damdamalake.com वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट है वो। तो आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, एक एक्चुअली कॉरपोरेट ग्रुप था, उसकी ऑफिशियल मीटिंग है वहाँ पे। तो मैं सुबह दिल्ली से निकला था, तो मैंने सोचा मीटिंग के बीच में व्लॉग भी बना लेता हूँ। तो अभी दिल्ली से, खैर व्लॉग क्या बनाना था एग्जैक्टली, अभी मैं हूँ NH 8 पे, जो गुड़गांव के बाद जब जयपुर की तरफ चलते हैं तो एक जो एग्जिट्स आती हैं हाईवे पे, उसमें एग्जिट नंबर 10 से लेफ्ट लिया एग्जैक्टली मैंने अभी। तो वो सोहना रोड पे जाना है, राइट हैंड साइड में मिनी सेक्रेटरीट है गुड़गांव का। और जो अभी ये जो ब्रिज दिख रहा है, ये चौराहा दिख रहा है, ये सामने सोहना रोड जा रहा है। तो दमदमा लेक जाने के लिए सोहना रोड लेना होता है, और यहाँ से दमदमा लेक है 25 किलोमीटर दूर। तो अब मैं दमदमा लेक की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि इसके पीछे का व्लॉग में दिखाने का कोई तुक नहीं था। तो बीच में एक दो क्लिपिंग्स पे रोड की दिखा के फिर आपको एग्जैक्टली दमदमा लेक पे ही दिखाऊंगा। चलिए फिर वहीं मिलते हैं। ये खेतों के बीच में से रास्ता है, घर भी बने हैं, गाँव भी बने हुए हैं। साइड में फार्म हाउसेस बने हुए हैं। तो जो सोहना रोड पे हम आगे चले थे, तो आगे गांव आता है भोंडसी। भोंडसी गांव में HP के पेट्रोल पंप के ठीक बगल से लेफ्ट हैंड में बोर्ड लगा है बड़ा सा, दमदमा लेक, वहां से लेफ्ट लेते हैं। और लेफ्ट लेते साथ ही अगला लेफ्ट ले लेते हैं तो ये वाली रोड आ जाती है। तो अब दमदमा लेक यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है। अरावली हिल्स है लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे पुरानी जो हिल्स हैं वो अरावली हिल्स हैं और विंध्याचल हिल्स हैं। विंध्याचल हिल्स तो MP साइड है, अरावली हरियाणा और राजस्थान में है। ये पूरे अरावली हिल्स यहाँ से लेके माउंट आबू तक पूरा यही जाता है, सरिस्का वगैरह सब इसी के अंडर में आते हैं। और जिस रिजॉर्ट दमदमा लेक, वो सब अरावली हिल्स के बैकड्रॉप में ही बनी हुई है। पीछे बैकड्रॉप अरावली हिल्स का है और दमदमा लेक है, उसके बगल में सारस रिजॉर्ट है। ये हम दमदमा लेक पे आ गए। ये रोड जा रही है सारस रिजॉर्ट की तरफ, और राइट हैंड साइड में इधर ऊपर दमदमा लेक है। ये लेफ्ट साइड में कुछ फिशरीज वालों को टैंक्स बने हैं, अब यूज नहीं होते, पुराने टैंक्स हैं। सारस रिजॉर्ट, ये सारस रिजॉर्ट का पार्किंग एरिया है और मेन एंट्री पॉइंट है, ये पोर्च है। यहाँ से ये मेन गेट है, सामने फ्रंट का गेट दिख रहा है, पीछे एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं वो दिखाता हूँ अभी आपको। ये है मेन एंट्री पॉइंट सारस रिजॉर्ट का, और ये है वो एडवेंचर एरिया, पार्क, लॉन्स, जहाँ काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ लगी हैं, टायर क्लाइंबिंग, कमांडो नेट, वैली क्रॉसिंग, बर्मा ब्रिज, ये देखिए जिप लाइन हो रही है, तो यहाँ एडवेंचर होता है। ये बच्चों के लिए हैंड बोट है और वाटर जॉर्बिंग है। ये वाली जॉर्ब जो है नीचे भी ग्राउंड में भी यूज हो जाती है। तो ये सब पेड एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट दे के ये हैंड पेडल बोट्स हैं, बच्चे कर सकते हैं। ये जॉर्बिंग है इधर, ये बाउंसी वगैरह भी लगी हुई है सामने, और ट्रैम्पोलिन वगैरह है। ये सब लेक साइड पे ही है, सब पार्किंग के बगल में, सामने से लेक का बहुत अच्छा व्यू आता है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये लेक का व्यू आ रहा है पीछे, तो ये यहाँ से पास में से ही लेक में नीचे जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे आप अपना एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल लेक के बगल में कैमल राइडिंग होती है, कुछ झूले वगैरह लगे हुए हैं, ये लोग कैमल राइडिंग कर रहे हैं। और पीछे बैकड्रॉप में सारस रिजॉर्ट दिख रहा है, ये लेक का व्यू है। बारिश में तो पूरी लेक भरी होती है, लेकिन सर्दियों में पानी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बोटिंग होती रहती है। ये कैमल से उतरने, कैमल बैठेगा तो ये लोग उतरेंगे, तो जब कैमल से चढ़ना और उतरना बड़ा ट्रिकी होता है, काफी संभाल के बैलेंस बनाना होता है। तो ये देखिए,
ये झूले हैं, बचपन में मेले में आपने जरूर झूले होंगे, और ये बड़ा वाला झूला है। ये पीछे सारस रिजॉर्ट है और इसके पास में झूले वगैरह लगे हुए हैं लेक के किनारे पेड एक्टिविटी करने के लिए। और पीछे बैकड्रॉप में वो लेक दिख रही है, उसमें बोटिंग वगैरह भी होती है। और उसके पीछे अरावली हिल्स दिख रही है। तो अरावली हिल्स के बैकड्रॉप में है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, लेकिन इतना होता है कि बोटिंग कर ले। और बहुत सारे ये पिकनिक साइड एटमॉस्फेयर होता है कि एक फुल डे पिकनिक करने के लिए सफिशेंट है। और ये पीछे दिख रहा है सारस रिजॉर्ट, जो बैकग्राउंड में बाउंड्री वॉल दिख रही है। तो इसमें 13 रूम्स हैं, यहाँ नाइट स्टे होता है और इसके किनारे ये लेक है। रिजॉर्ट की बालकनी है, लेक का व्यू आ रहा है, गेम्स वगैरह, कैमल राइडिंग। ये काफी स्पेशियस बालकनी है ये। हाँ खा लेता। ये चार छोटे रूम हैं सारस रिजॉर्ट में। फैसिलिटीज वही सारी हैं, मिनी फ्रिज है, टीवी है, थोड़ा सा साइज छोटा है। और यहाँ से रिमोट व्यू है लेक का, व्यू नहीं है एक तो, और दूसरा बालकनी नहीं है, लेकिन ये ओपन स्पेस है बैठने के लिए। ये वॉशरूम है, तो ये सारस रिजॉर्ट के रूम्स हैं, बालकनी है, वरांडा है, टोटल 13 रूम्स हैं। लेक साइड प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी है, वीकेंड के लिए सारे एयर कंडीशन रूम्स हैं। ये वरांडा है, ये भी ग्राउंड फ्लोर में सारे रूम्स हैं। ये रेस्टोरेंट है, इसी में बार भी है, ये बार है सामने। ये फर्स्ट फ्लोर पे ओपन टेरेस है, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह है। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, 50 लोग आराम से आ जाते हैं इस कॉन्फ्रेंस हॉल में। ग्रुप्स के लिए बुफे भी लग जाता है। ये ओपन रूफटॉप है सारस रिजॉर्ट में, काफी अच्छा व्यू आता है यहाँ से। तो इसी के साथ ये व्लॉग यहीं खत्म करता हूँ। गुड बाय, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे।